मैं अनुप कुमार बिंदल आप सभी का इस कृष्ण वॉच सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हर इंसान परेशान है, उसके मन में घूम रहे हैं हजारों सवाल और वो ढूंढ रहे हैं उनके जवाब, पर ये जवाब कहाँ मिलेंगे? श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। बस जरूरत है उसे पढ़ने की, सुनने की और समझने की। क्योंकि भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई पंथ प्रधान ग्रंथ नहीं है, वो तो है एक अध्यात्म का खजाना जो इंसान को जीने की राह दिखाता है, एक आनंद पूर्वक जीवन जीने की राह। आइए आज बात करते हैं प्रथम अध्याय की, अर्जुन विषाद अध्याय। कुरुक्षेत्र का मैदान, कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी और दोनों सेनाओं में महारथियों की भरमार थी, पर यह कोई नहीं जानता था कि विजय किस पक्ष की होगी। वहां संजय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा धृतराष्ट्र को रणभूमि का सारा आंखों देखा हाल बता रहे थे। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देखो इस कौरवों की सेनाओं की ओर। अर्जुन ने जैसे ही कौरवों की सेनाओं की ओर देखा, उनका मन व्याकुल हो उठा। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर भी कांप रहा है, मेरा मन बड़ा अशांत है। सामने सभी जन मेरे अपने हैं, मेरे परिजन हैं, मैं उन्हें मारूं तो कैसे मारूं? कैसे मारूं अपने भाइयों को, कैसे मारूं अपने पितामह को, कैसे मारूं अपने गुरु को? नहीं नहीं, ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। अर्जुन के मन में मोह ममता जाग उठी थी, जिसके कारण उसके मन में विषाद भर गया था। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य भी नहीं चाहिए, मेरा तो अब जीने का मन ही नहीं है, इस धरती का क्या, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, मुझे ये युद्ध ही नहीं करना है, वैसे भी इन सभी लोगों को मार के मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। हे मधुसूदन, ये अधर्म है, इससे धर्म का नाश होगा। यह कह के अर्जुन ने गांडीव त्याग दिया और वही रणभूमि में बैठ गए। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो शांत रहे। वहां संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि अर्जुन जैसे महापुरुष का महाज्ञान भी धरा रह गया और उसके मन में कायरता प्रवेश कर चुकी है, वो रणभूमि में अश्रु बहा रहा है। आखिरकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इन परिस्थितियों में तुम्हारे मन में ये मोह कहां से उत्पन्न हो गया, कहां से ये नपुंसकता का भाव आ गया? हे महातपस्वी अर्जुन, इस मोह ममता से बाहर निकलो और युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। छोड़ो ये कायरता का भाव, माया पर विजय पाओ और परम पद पर चलो। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पितामह को, गुरुदेव को नहीं मार सकता, मुझसे ये नहीं होगा। वैसे भी इन्हें मारकर क्या मिलेगा, राज्य, धन? ऐसे धन से तो भिक्षा मांगना बेहतर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। हे श्री कृष्ण, अब तो आप ही मेरा आधार है। ये कह के अर्जुन रथ से नीचे उतर गया और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे कृष्ण, क्या धर्म है क्या धर्म है, मैं कैसे उन लोगों पे बांध चलाऊं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, एक समर्पित शिष्य, आप ही मुझे मेरे कल्याण का परम मार्ग बताइए, आप ही मुझे इस धर्म संकट से उभारिए प्रभु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है क्योंकि उन्होंने जो अर्जुन को समझाया था वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो सारे विश्व के लिए था। और यही से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से वो भगवद गीता का सर्वोत्तम ज्ञान, मानव कल्याण का ज्ञान, मानव को आनंद देने का ज्ञान। ये ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है, किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम या ईसाई के लिए नहीं है, ये सभी के कल्याण के लिए है। कि हमारा मन हमेशा हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। पर ये होगा कैसे? ये तभी हो पाएगा जब हमारा हमारी भावनाओं पर नियंत्रण होगा। बट क्या ये इतना आसान है? हमारी भावनाओं पे हमारा नियंत्रण तब होगा जब हमारी भावनाएं हमारे स्वार्थ से नहीं बंधी होगी, वो सारे विश्व के लिए होगी। हमारे मन में वासुदेव कुटुंब का भाव होगा। दोस्तों, जल्दी फिर मिलते हैं इस सीरीज में जिसका नाम है कृष्ण वाच गीता का ज्ञान। नमस्कार।